नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विंध्य भारत में। मैं हूँ आपके साथ साक्षी गुप्ता। ये बढ़ते हैं कुछ खास खबरों के साथ। मध्य प्रदेश की एकमात्र राज्यसभा सीट पर बीजेपी ने जॉर्ज कुरियन को राज्यसभा भेजकर टिकट की लगाए बैठे दिग्गजों के चेहरों की रौनक चुरा ली। हालत ऐसे हो गए है कि अब क्या करेंगे पांडे जी। जी हाँ, एक कहावत है, दो दिन से गए पांडे जी। ये कहावत केपी यादव पर फिट बैठती है। इतना ही नहीं, शिव सरकार में गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा, चंबल के शेर माने जाने वाले भाजपा नेता जयभान सिंह पवैया और कांग्रेस से भाजपा में आए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी के अरमानों पर पानी फिर गया। बताया जा रहा है कि सुरेश पचौरी तो राज्यसभा टिकट के साथ साथ राज्यपाल बनने की जुगत में थे। नरोत्तम मिश्रा और पवैया को पूरा भरोसा था कि आलाकमान उन्हें राज्यसभा भेजकर सरकार में कहीं ना कहीं फिट करेगी, लेकिन बीजेपी ने तीनों की उम्मीदों पर पानी फेरते हुए कुरियन को राज्यसभा भेज दिया और तीनों टिकट की लगाते देखते रह गए। राज्यसभा के लिए सबसे ज्यादा उम्मीद थी केपी यादव को। केपी को पूरा भरोसा था कि बीजेपी उन्हें उनके त्याग का पूरा फल देगी, उनका पूरा ध्यान रखेगी, लेकिन बीजेपी ने केपी को भी अधर में लटका दिया। बीते मंगलवार को केपी यादव ने एक कार्यक्रम के दौरान अपना दुख बयां करते हुए कहा कि कन्हा जी पर भरोसा रखो, उदास नहीं हो, टाइगर अभी जिंदा है। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को पूरी उम्मीद थी कि विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी शाह के साथ उनके अच्छे संबंध काम आएंगे, प्रदेश में कांग्रेस को तोड़ने का फल उन्हें जरूर मिलेगा, लेकिन बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को राज्यसभा भेजना उचित नहीं समझा। पार्टी के कुछ नेताओं का दबी जुबान में कहना है कि चुनाव में आश्वासन जरूरी दिए जाते हैं, लेकिन पूरे नहीं किए जाते हैं। ऐसे में अब नरोत्तम मिश्रा को राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगी है। नरोत्तम मिश्रा के अलावा सुरेश पचौरी को भाजपा ने अधर में लटका दिया है। पचौरी पद की आस में कांग्रेस से भाजपा में आए थे। उन्हें पूरा भरोसा था कि सिंधिया की तहर बीजेपी उन्हें राज्यसभा भेजेगी और सरकार में छोटा मोटा मंत्री बना देगी। अगर राज्यसभा नहीं भेजेगी तो उम्र के हिसाब से उन्हें किसी राज्य का राज्यपाल बना देगी, लेकिन बीजेपी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। फिलहाल अब पचौरी खाली हाथ हैं।